बॉर्डर पर शहीद हुए जवान की मौत को बता दिया सुसाइड तो हो गया बड़ा हंगामा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुआ था राजस्थान का जवान। शहादत की खबर आते ही जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी ने उसे बता दिया आत्महत्या का मामला, जिसके बाद यह बवाल शुरू हो गया है। राजस्थान के बीकानेर में रहने वाले रामस्वरूप अनंतनाग में मंगलवार की सुबह शहीद हुए थे। वह जब ड्यूटी पर तैनात थे तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी और एक गोली उनके सिर पर जा लगी थी और वह देश के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन जैसे ही उनके शहादत की खबर उनके घर पहुंची तो वहां गांव वालों समेत अधिकारियों का भी जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लेकिन इस बीच शहीद रामस्वरूप की शहादत को जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी ने आत्महत्या करार दे दिया। फिर जब यह बात गाँव में फैली तो लोग गुस्सा गए। इसके विरोध में परिवार और ग्रामीणों ने बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम कर दिया और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग करने लगे। परिवार ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भी सस्पेंड करने की मांग की। इतना ही नहीं, वहां विरोध इतना बढ़ गया था कि लोगों ने मांग रखी कि जब तक जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वह उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में गोली लगने से शहीद रामस्वरूप के परिजनों ने कहा कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बिना किसी आधार के शहीद की मौत को आत्महत्या बताया है। इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि सेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि सेना के अधिकारियों का भी यही कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बगैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग में तैनात सेना के जवान रामस्वरूप कंसवा सिर में गोली हुए थे। रामस्वरूप सेना की 65 रेजिमेंट में तैनात थे। मंगलवार की सुबह आतंकी उनके सिर पर गोली लग गई थी और वह देश के लिए शहीद हो गए थे।